हेलो एवरीवन, दिस इज साकिल लिटोरिया। वेलकम बैक टू आवर चैनल नेविगेट इंस्टीट्यूट। और आज की वीडियो में आपके साथ एक न्यूज शेयर करने वाला हूं। वैसे तो आप सभी को ये पता चल ही गया होगा कि एसएससी के द्वारा अपना कैलेंडर अपडेट कर दिया है। साथ ही साथ आपको बता दूं इस वीडियो के अंदर कि एमपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर का जो आपका अभी एग्जाम हुआ था, उसकी प्रोविजनल की भी आयोग के द्वारा वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है, तो आप वहां से अपने रिजल्ट को मैच कर सकते हैं। जैसा कि अपन ने शुरुआत में मैंने आपको बोला है कि एसएससी के द्वारा अपना कैलेंडर यहां पे अपडेट कर दिया है, तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज आई है। देखो, एई का पेपर आपका हो चुका है, व्यापम सब इंजीनियर का भी आपका पेपर होने वाला है, साथ ही साथ एसएससी के द्वारा भी अपने कैलेंडर को अपडेट कर दिया है। तो आइए जानते हैं कि एसएससी जूनियर इंजीनियर एग्जाम आपका कब होने वाला है। तो आप जैसा कि बोर्ड पर देख पा रहे होंगे कि जो एग्जाम का कैलेंडर आपका है वो मैंने यहाँ पे ओपन करके रखा हुआ है, और जो हमारी मोस्ट अवेटेड एग्जाम है एसएससी जूनियर इंजीनियर, तो आप यह 8 नंबर वाला जो सेक्शन है आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एंड क्वांटिटी सर्वेइंग एंड कॉन्ट्रैक्ट एग्जामिनेशन 2022। मतलब 2022 एसएससी जेई का कैलेंडर इन्होंने अपडेट किया है। इन्होंने बोला है पेपर वन की इन्होंने बात की है, जो कि आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है। क्लियर? क्या होता है आपका? कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जाम होता है। अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो ये वाली जो डेट का कॉलम आप देख रहे हो, ये कौन सा डेट का कॉलम है? डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट है, दैट इज द क्लोजिंग डेट है, और ये आपका मंथ ऑफ एग्जाम का यहाँ पे इन्होंने बोला है। क्लियर? तो डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट की अगर मैं बात करूं, इसकी बात करूं, डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट की अगर मैं यहाँ पे आपसे बात करूं, तो ये देखो आप 12/8/2022, ये आपका क्या है? डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट है। 2/9/2022 ये आपका एडवर्टाइजमेंट जो है आपका वो क्लोजिंग की डेट है, मतलब फॉर्म वगैरह आपके फिल हो जाएंगे। क्लियर? तो उसकी लास्ट डेट इन्होंने 2/9/2022 यहाँ पे देके रखी है, और इन्होंने बोला है कि जो पेपर वन आपका है वो नवंबर 2022 में हो जाएगा। क्लियर? तो नवंबर 2022 में आपका एसएससी जूनियर इंजीनियर 2022 का प्री का पेपर कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो कैलेंडर आपका यहाँ पे अपडेट हो चुका है और ये एग्जाम आपकी होने वाली ही है, तो आप लोग प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दें। क्लियर? वैसे तो आप लोगों ने अभी एई का पेपर दिया होगा तो आपकी प्रिपरेशन ऑलमोस्ट हो गई होगी। क्लियर? लेकिन यहाँ पे आपको पता है मेंस का पेपर आपको देना है, थोड़ी सी अपनी अप्रोच यहाँ पे बदलनी पड़ेगी, क्योंकि एमपीपीएससी एई के पेपर के अंदर आपको सिर्फ प्री का पेपर देना था, उसके बाद डायरेक्ट इंटरव्यू मेंस हटा दिया गया है। क्लियर? तो यहाँ पर थोड़ी सी आपकी अप्रोच चेंज होगी, क्योंकि आपको मेंस के अकॉर्डिंग अभी से पढ़ना पड़ेगा। कि आप लोगों के लिए एक और अनाउंसमेंट है नेविगेट इंस्टीट्यूट के ऑफलाइन एसएससी जूनियर इंजीनियर और एमपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर के लिए बैच स्टार्ट हो चुके हैं। 4 जुलाई 2022 से हमारा ये बैच स्टार्ट हुआ है। प्री प्लस मेंस हमारा टारगेट यहाँ पे, हम शुरुआत से ही प्री प्लस मेंस को पढ़ने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट प्रिपरेशन करना चाहते हैं एसएससी जूनियर इंजीनियर एग्जाम्स के लिए, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, आप उस नंबर पर कॉल करके एडमिशन ले सकते हैं।